चुनावी वर्ष में प्रवेश करते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति का स्तर जितने अधिक तरीके से गिराना शुरू किया है, यह कम से कम भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो देश की सत्ता पर काबिज है उसके लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक साबित होता जा रहा है। अपने राजनीतिक स्तर को गिराने के लिए कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त, कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे स्टूडेंट नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे की तैयारी, और भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो जो 2014 में जारी किया उस पर और जो 2019 में उनको लाना है उस पर चर्चा करने के बजाय आज भी कांग्रेस को ही कोसने का काम कर रही है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस इस देश की राजनीति की आत्मा है जिसको भारतीय जनता प्रमाणित कर रही है। इस वक्त भारत की राजनीति या तो कांग्रेस के पक्ष अथवा कांग्रेस के विरोध पर ही टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ रहने के बाद भी अपने आप को भारतीय जनमानस में यदि उनके जुमले, झूठे वादों और झूठी बातों को नकार दिया जाए तो उसके अलावा वो कहीं भी टिकती दिखाई नहीं दे रही है। हम सब देशवासियों को कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास जताते हुए देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मान्यताओं को और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी देने का जो अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा के लिए आगे आकर इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर करना जरूरी है, और ताकि इस देश में एक सफल, सुशासन वाली और संविधान की रक्षा करने वाली सरकार को लाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।